खान साहब तो कब तक बाइक देख रहे हैं? इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले। सर आने वाले दिनों में पीटीआई की मुश्किलात आलो नजर आ रही हैं आप? अगर हम हक पे हैं तो अल्लाह हमारे साथ है। सर आप अपने हलके में कब कन्वेंशन करेंगे? सर कब कन्वेंशन स्टार्ट कर रहे हैं आप अपने हलके में? सर अपने हलके में कब कन्वेंशन स्टार्ट कर रहे हैं? जल्द इंशाल्लाह। सर अपना एक मैसेज दे दें आवाम के लिए, क्या है? अपने कारकुनान 8 फरवरी को निकले और अपनी जमीर की आवाज पे जो आपको सही लगता है उस लीडर के साथ खड़े हों। मुझे तो इमरान खान सही लगता है। सर आपको कोई प्रेशर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का दोबारा? सर यार उम्मीद नहीं होगा, ये सिलसिला मेरे ख्याल में ये सिलसिला थम चुका है। सर सारे लोग अंडरग्राउंड हैं, आप सिर्फ अंडरग्राउंड नहीं है लेकिन आप स्क्रीन पे भी इतने ज्यादा नहीं है। आपने आपने कभी कहा कि ये सिलसिला थम चुका है? इस सिलसिले के थमने में क्या चीज थी जिसने अहम रोल प्ले किया? जितने परिंदे उड़ने थे तकरीबन सारे बेचारे उड़ गए हैं, बहुत आपने क्या करना, बाकी तो सारे काम की सफाई है। उम्मीद है, उम्मीद है इलेक्शन रख पे हो और आवाम के वोट से हुकूमत बने, किसी और चक्कर में नहीं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, इंशाल्लाह जब दावत देंगे तो जाएंगे। काफ़ी साल से 8 मरतबा आपको गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के अलावा कुछ चीज़ें कुछ मनवाने की कोशिश की गई है और टॉर्चर तशद्दुद हो चुकी है। रुक गए शेख साहब भी क्या हो कह रहे थे, उन्होंने कहा के लेकिन तशद्दुद करके नहीं लगा। पॉलिटिकल प्रिजनर पे क्या टॉर्चर होना है? ये था कि जेल की हुकूमत होती है ना, जेल में होते हैं, बाकी तो अल्लाह की करम से इज्जत से रहे, लेकिन ये था कि एक इम्तिहान ज़रूर था। उस इम्तिहान में अब आप बोलते हैं कि अब आप उस वो इम्तिहान पास कर चुके हैं, दोबारा उस इम्तिहान में आपको नहीं डाला जाएगा? अली भाई यार अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, जो अल्लाह के फैसले हैं उन पर राजी हैं। खान साहब से हवाले से भी आप कहिएगा कि आप इसे अच्छा खान साहब से मुलाकात करने के लिए आपसे इमरान साहब खान साहब भारत जीना मरना पीटीआई के सर खान साहब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं आप, कब मुलाकात करेंगे? इजाजत नहीं मिल रही सर, अगर इजाजत मिलेगी तो आप जाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं जाएंगे भाई? सर एक मैसेज आप पाकिस्तान तरीके साहब के वर्कर को इंशाल्लाह अली भाई, इंशाल्लाह अगली हुकूमत पाकिस्तान तरीके साहब को कहना चाहता हूँ, लाडले तो आप बन गए, वो वोट को इज्जत दो का बयानिया आप किधर छोड़ आए हैं? थैंक यू सर। बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है, आपने भी 6 से 7 मरतबा जेल काटी है, क्या स्टेटस है इस वक्त आपका और पीटीआई का इस वक्त क्या स्टेटस है? इलेक्शन भी करीब है यार, जेलें मर्दों के लिए बनी है और तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीतेगी इंशाल्लाह। इलेक्शन किस तरह से जीतेगी इस वक्त जो उम्मीदवार हैं या तो वो जेल में हैं या फिर उन्हें टिकट के हवाले से भी काफ़ी पीटीआई को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है? अल्लाह फरमाते हैं हर तकलीफ के साथ आसानी है, तंजीम हमारी है, वर्कर हमारे साथ है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ओम इमरान खान के साथ है। सर कल का जो चारसदा में कन्वेंशन हुई है उसको कामयाब कहेंगे आप, क्या कहेंगे सर कल चारसदा में जो सजी को कन्वेंशन हुई? माशाल्लाह वर्कर कन्वेंशन से जलसा बन गया और अब आप देखिए अगर जलसे के ऐलान कर दिया फिर पता नहीं क्या होगा। ये तशद्दुद की सियासत हो रही है, इसके मुतल क्या कहेंगे? और नवाज शरीफ साहब को देख रहे हैं कि एक तरफ वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांग रहे हैं, दूसरी जानब अफगानिस्तान में बाप पार्टी की तरफ मुलाकात भी हुई है उनकी। देखें नईम भाई भी इधर खड़े हैं माशाल्लाह, अब तो इनको ज़्यादा बोलना चाहिए हमारी हीरोइन है। देखिए मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, थोड़ा छोटा सा मसला है, मियाँ साहब और वज़ीर आज़म की कुर्सी के बीच में 25 करोड़ आवाम घायल है, उनके साथ क्या करेंगे? एक दफ़ा हाजिरी कर चुका हूँ मैं, एक
मुस्तकबिल करीम में किसकी और गिरफ्तारी आपको लगता है कि हाँ इसकी हो सकती है गिरफ्तारी? कोई आपका कुछ पेशनगोई तो नहीं कर सकता, देखते हैं। अली वजीर को भी गिरफ्तार किसके नाम निकलता है? अली वजीर साहब को भी दोबारा से गिरफ्तार किया गया है, वो चाहे आपकी गवर्नमेंट में हो, पीडीएम की गवर्नमेंट में हो, तो उनकी गिरफ्तारी का सिलसिला रुक नहीं पा रहा है। उस हवाले से मुझे नहीं पता कि दोबारा किस चीज़ में गिरफ्तार किया है, लेकिन चलते जाते आगे पुणे पे गिरफ्तारियां नहीं हुई सर। किसी के साथ इलाहाक का है चांस सर जी, पीटीआई का किसी के साथ इलाहाक हो जाए? आपके साथ इलाहाक करूंगा मैं, आप इतनी मेहनत करते हैं। यार फिलहाल कोई नहीं है, खान साहब डायरेक्शन देंगे ना, उसके बाद बहुत तो खान साहब को इलेक्शन तक खान साहब को आप बाहर आते हैं सर। नवाज शरीफ जो है ना कोई जल्दी कर जाएगा और बात भी हो जाएगी सर, वो तो ठीक है लेकिन रख होता है सर। जिस तरह हमने देखा कि आप 6 से 7 दफा गिरफ्तार होते रहे बार बार, कुछ लोग ऐसे थे जो 2 दफा गिरफ्तार हुए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। किसी और पे कमेंट नहीं करना चाहिए सर, अगर दुआ मांगा करें अल्लाह ताला से, इज्जत की दुआ मांगा करें। खान साहब को कब तक बाइक देख रहे हैं? इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले सर। आने वाले दिनों में पीटीआई की मुश्किलात आलो नजर आ रही है, आप अगर हम हक पे हैं तो अल्लाह हमारे साथ है। सर आप अपने हलके में कब कन्वेंशन करेंगे? किसी चीज़ की फिक्र नहीं सर, कब कन्वेंशन स्टार्ट कर रहे हैं आप अपने हलके में? सर अपने हलके में कब कन्वेंशन स्टार्ट कर रहे हैं? जल्द इंशाल्लाह सर। अपना एक मैसेज दे दें आवाम के लिए, क्या है अपने कारकुनान को? 8 फरवरी को निकले और अपनी जमीर की आवाज़ पे जो आपको सही लगता है उस लीडर के साथ खड़े हों। मुझे तो इमरान खान सही लगता है सर। आपको कोई प्रेशर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का दोबारा सर? यार उम्मीद है नहीं होगा, ये सिलसिला मेरे ख्याल में ये सिलसिला थम चुका है सर। सारे लोग अंडरग्राउंड हैं, आप सिर्फ अंडरग्राउंड नहीं है लेकिन आप स्क्रीन पे भी इतने ज्यादा नहीं है। आपने आपने कभी कहा कि ये सिलसिला थम चुका है? इस सिलसिले के थमने में क्या चीज थी इसने अहम रोल प्ले किया? जितने परिंदे उड़ने थे तकरीबन सारे बेचारे उड़ गए हैं, बहुत आपने क्या करना, बाकी तो सारे काम की और आवाम के वोट से हुकूमत बने, किसी और चक्कर में नहीं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, वो तो नहीं करेंगे, वो तो जो लोकल्स होते हैं वो दावत देंगे इंशाल्लाह, जब दावत देंगे तो जाएंगे। काफी 7 से 8 मरतबा गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के अलावा कुछ चीज़ें कुछ मनवाने की कोशिश की गई और टॉर्चर रुक गया। शेख साहब भी क्या कह रहे थे, उन्होंने पोलिटिकल प्रिजनर पे क्या टॉर्चर होना है? ये था कि जेल की सोबत होती है ना, आप जेल में होते हैं, बाकी तो अल्लाह की करम से इज्जत से रहे, लेकिन ये था कि एक इम्तिहान जरूर था। उस इम्तिहान में अब आप बोलते हैं कि अब आप उस वो इम्तिहान पास कर चुके हैं, दोबारा उस इम्तिहान में आपको नहीं डाला जाएगा? अली भाई यार अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है, जो अल्लाह के फैसले हैं उन पर राजी।